Hi Shika, hi Aryana. This will be the last part of the Somnath series. क्या हुआ कि this we are arriving towards the tent city. This is the final stretch. पूरा cemented road है and जो gaps है उसके कारण I am feeling little jerks on the handle. Forward you cannot see over here. जैसे हम लोग आगे proceed करेंगे we can see. We are coming further to the white desert. They call it white run over here. तो ये white run का final road है. मस्त एकदम straight road है. There is मतलब आसपास भी generally कुछ भी नहीं है. हाँ आने के लिए हम लोग को inner line permit लगता है जो हम लोग already BRO से ले लिए हैं पीछे और यहाँ से हम लोग सीधे भी आगे जा रहे हैं. आज एक्चुअली यहाँ पे CM आने वाले हैं तो हमको आइडिया नहीं था. वहाँ पहुँचने के बाद हम पूछे तो पता चला CM आ रहे हैं. इसके लिए हम लोग को बाइक बहुत दूर तक लेने ले आने नहीं दिया और वैसे भी वो आर्च के अंदर बाइक जाता नहीं है. ठीक है तो ये हमको पहले नहीं पता था, हमको वहाँ जाने के बाद पता चला. सिंस वी आर डूइंग अ वॉइस ओवर तो ऐसा है तो पुलिस वाला हम लोग को बोल रहा है जैसे राइट ले लेने के लिए. यहाँ पर सारा पार्किंग है लगता है, हम लोग यहीं बाइक पार्क करेंगे. अपने पास बाइक में सामान है तो हम बहुत दूर नहीं पार्क करना चाहते हैं. हम चाहते हैं जितना नियरेस्ट पॉइंट हो जहाँ से आई कैन कीप एन आई ऑन माई बैग. ऐसे है कुछ नहीं, कपड़ा से भी है रखा हुआ बट एनी हाउ कुछ भी जाएगा तो जाएगा. आई एम लुकिंग फॉर पार्किंग स्पॉट तो दैट इज़ द आर्च व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जो आई थिंक सो ब्राउन कलर समथिंग है. If I park my bike over here, it gets covered with the car. और उधर रास्ता में I don't want to park in the way. अच्छा था बाइक गंदा हो गया. And there's someone over there. So let's go and check it out. कौन वहाँ पर दिख रहा है? कुछ बाइकर्स दिख रहे हैं वहाँ पे. So let me go and see. एटलीस्ट आज के पास हम लोग वी कैन टेक सम पिक्चर्स. लेट्स सी आप पुलिस वाला को बोले कि हम लोग को वहाँ जाना है. इट सीम्स दैट फ्यू बाइकर्स आर ओवर हियर. इट्स अ के नंबर प्लेट K05. बैंगलोर के लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, सरप्राइजिंग. खैर आई ऑल्सो कम फ्रॉम बैंगलोर तो स्टॉप हियर फॉर फ्यू पिक्चर्स. दीज आर द पिक्चर्स. अच्छा है वो एकदम मस्त पीछे वो सॉल्ट फ्लैट्स है बट बाइक डज नॉट गोज ओवर देयर. तो वी टुक सम पिक्चर्स और टेंट सिटीज का पिक्चर्स एंड दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी सीन. तो टेंट सिटी में वहाँ पे जो ये क्या बोलते फूड स्टॉल्स था, आई थॉट कि वहाँ पे कुछ नॉनवेज मिलना चाहिए. बहुत दिन से नॉनवेज नहीं खाया है, तब से तो ये सोमनाथ द्वारका यहाँ जा रहे हैं तो नॉनवेज खाने का गुंजाइश नहीं है. और हमको जाते हो दूर से कुछ लाल लाल इमेजेस दिखाता था, हमको लगा था शायद चिकन विकन होगा बट अनफॉर्चुनेटली ये गुजरात है और देयर इज़ नो चिकन ओवर देयर. सब कुछ वेज ही था. हम लोग उसी में से वेज वेज कुछ खाए, वड़ा पाव खाए, डाबेली खाए बहुत सारा और एक साइड पूड़ी सब्जी या छोला भटूरा कुछ खाया और फिर हम लोग निकले. तो वहाँ से हम लोग वही वापस आके बैक जहाँ पे हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि वहाँ से राइट जाता है तो वापस आता है तो हम लोग को लेफ्ट पड़ता है. दिस रोड स्ट्रेट अवे गोज टू कालो डूंगर द ब्लैक हिल्स. वहाँ पे अपना मैग्नेटिक जोन भी है एक. और यहाँ पे हम देखें कि जो साइड में जो मट्टी है ना इसमें ट्रक्स पानी डाल रहा था. अगेन इट्स जस्ट अ सिंगल रोड वन कार एंड वन बाइक इट गोज. ज़्यादा जगह बिल्कुल नहीं है तो लोग फिर भी साइड दे दे रहे हैं. जहाँ जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ हम भी नीचे उतर जा रहे हैं. और आगे बसेस या ट्रक्स भी रहता है तो इफ़ यू गिव द मैम मतलब क्या टिपर दे विल गिव यू साइड. मतलब बेचारे नीचे उतरते हैं एंड देन दे गिव यू द साइड. इट्स नाइस ऑफ देम. आई डोंट हॉन्क टू मच, आई गिव देम अ ब्लिंक एंड वेट सो दैट कि व्हेन दे आर able to give me space, they are giving me space and I cross them.
यहाँ पे अभी ठंडा नहीं है, हल्का फुल्का था, डे इज नॉर्मल एक्चुअली। तो विंटर लाइनर अभी भी लगा हुआ है जैकेट के अंदर, तो उतना ज़्यादा ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे भी ज़्यादा कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ये सारा वाइट वाइट जो दिख रहा है सारा सॉल्ट डिपॉजिट्स है, जिसके कारण ये सारा जगह वाइट और बेसिकली बंजर है यहाँ पे। और तो कुछ है नहीं यार। अभी कुछ 12-1 बज रहा होगा, बारह बजे तक हम लोग वहीं से निकले थे, तो 1-1.5 बज रहा होगा कुछ। तो प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग कालो डूंगर जाएंगे, दैट इज़ ब्लैक हिल्स, और वहाँ से हम लोग जाएंगे रन ऑफ कच्छ। तो ब्लैक हिल्स के पास में एक मैग्नेटिक पॉइंट है, फिर वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ से अपना वो बॉर्डर एरिया दिखता है, और बॉर्डर एरिया के बाद आगे दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग बाइक रुक के थोड़ा एक तो फोटो लिए से यहाँ पे, पूरा मस्त वाइट वाइट है। आई डोंट नो मतलब ग्राउंड कैसा है, तो सिंस आई एम अलोन अपना बाइक इधर उधर डालना नहीं चाहते हैं, पता नहीं फंस जाएगा तो अभी खींचने के लिए इसको बुलेट को बहुत लोग चाहिए, तो आई डोंट वॉन्ट टू गो हियर एंड देयर। अपना ऑफ रोड बाइक भी नहीं है, तो अपना टायर्स एक्चुअली नया है बट उतना ज़्यादा ट्रेडिंग्स नहीं है, तो इसके लिए ये सब सब जगह नहीं जाए तो अच्छा है। हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, बस इज टू मच ट्रैफिक, इट्स जस्ट अ सिंगल रोड। पीछे वो बाइक वाला आ रहे थे ना, जस्ट वॉन्टेड की करना है, ये नहीं कि वो आके पीछे स्टॉप ब्रेक सडनली। जहाँ जहाँ तक नज़र आता है मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम फ्लैट ग्राउंड है, एक पेड़ नहीं है इधर, बट वही सेम ड्यू टू दैट सॉल्टी नेचर एंड दिस थिंग। तो यहाँ पे इसी टाइप का हमको ये नुब्रा वैली के आसपास वर्ड्स नुब्रा वैली इसी तरह हमको जगह मिला था, इवन चुसुल के आसपास भी, दैट विल कम इन द अपकमिंग राइड जो इस पार्ट के बाद आई थिंक आई सेट स्टार्ट। उसमें बहुत सारा डेटा है दैट आई हैव टू एडिट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंस्टा 360 ऐप। आई होप सो वीडियोज़ में बहुत सारे लोकेशन हम लोग कवर किए हैं, बस इसको हम लोग डिपर दिए, ही विल गिव साइड। टूरिस्ट बस है आई थिंक, सब गुजराती में ही कुछ लिखा है। अच्छा अंकल हमको साइड दे रहा है, ठीक है लेकिन यहाँ से एक और कार है, नहीं हमको जाने दे दो। रोड सब पैची पैची हुआ है, इस तो बहुत स्मूथ नहीं है, वी कीपिंग ऑन द साइड। और ये सब अपना डेली का ड्राइवर्स होगा, वेल वर्स्ट इन दिस रोड, अभी भी वैसा ही है पूरा लोकेशन। आगे आके हम लोग यहाँ से शायद लेफ्ट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे ट्रक्स हैं, तो ये लोग सब धीरे धीरे वेट कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन साइड्स बदल पा रहा, आई थिंक सो पुलिस व्हीकल है। क्या चीज़ का आवाज़ है, ये ट्रक्स का आवाज़ है, मुझे सोचा मेरे बाइक में तो ऐसा क्या चीज़ का आवाज़ होना चाहिए, ये आगे पीछे ट्रक्स का आवाज़ है, दैट्स स्पीकिंग नॉइस, कंटेनर ट्रक्स दिस एरिया, पता नहीं क्या कहाँ जा रहा है। आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अराइविंग फॉर द टेंट सिटी, तो दिस इज वन वे ऑफ कनेक्टिंग। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा डबल रोड्स है, तो विल गेट चांस टू ओवरटेक। ये लोग बहुत देर से रुके हुए थे उस समय, हम देखे इन लोगों, खैर अभी अच्छा डबल रोड आ गया तो नाउ वी हैव गॉट चांस टू गो बैक। क्या आइसोलेटेड जगह है लिटरली, यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वी आर ऑलमोस्ट अराइविंग टूवर्ड्स द ब्लैक हिल्स,
और बीच का हम लोग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए बिकॉज वी आर लो इन स्पेस राइट नाउ. हमको ब्लैक हिल्स पे रिकॉर्ड करना है एंड आई डोंट वांट टू मिस द सनसेट इन रन ऑफ कच्छ. यहाँ पे बेसिकली सरप्स टाइप का ये है, डेजर्ट वाला फील है यहाँ. गर्मी है और बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स तो विंटर लाइनर के कारण इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, बड़ा आराम से चल रहा है. वहाँ से हम लोग को गूगल जो ब्लैक हिल्स का रास्ता दिखाया था हम लोग उसी को फॉलो करते करते जा रहे हैं. यहाँ पे ज़्यादा रोड्स नहीं है, मतलब बहुत सारा साइड रोड्स नहीं है, एक दो ही रोड्स है मेन में, जिसमें से जो हम लोग को गूगल डायरेक्ट किया हम लोग उधर से निकले. कार है स्टॉप्ड, ट्रैफिक है, लेट्स स्टार्ट फॉर फोटोग्राफी. अच्छा जगह है, पानी अगर इधर होता तो कैंपिंग हो सकता था, बट मतलब कि एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनीथिंग. कुछ हार्ले वाला लोग मिला था हमको यहाँ पे, अपना हार्ले X440 जो था, आई थिंक सो दे हैव रेंटेड और समथिंग, तो वो लोग बीच में हमको मिले थे. ऑलमोस्ट कमिंग टू द पॉइंट, ये लगता है आई थिंक सो दिस इज द मैग्नेटिक हिल एरिया, वाइट साइड का बोर्ड है ना. हम सोचते ठीक है लौट क्या क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत भीड़ है तो देयर इज नो पॉइंट स्टॉपिंग हियर. मैग्नेटिक आई डोंट नो कितना का गाड़ी यहाँ पे कैसा मूव हो रहा है, बट आई जस्ट वेंट थ्रू क्योंकि था कि हमको वहाँ पहुँचना है, वहाँ से इवनिंग सनसेट के पहले हमको वहाँ पहुँचना है. तो इवनिंग पार्ट आई वॉन्ट टू विन रन ऑफ कच्छ, बेसिकली ये वेस्ट है तो इधर सनसेट होना ही चाहिए. दिस वॉज माई होल आइडिया, तो आई हैव नेवर बीन टू रन ऑफ कच्छ एंड दिस ब्लैक हिल्स. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन दिस एरिया इन गुजरात, और ये ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं उस ऊपर का जगह है यहाँ से दिख रहा है. ऊंट है यहाँ पे, सही आई थिंक सो हम लोग भी एक ऊंट का राइड लेना चाहिए. हाँ वो ऊपर मंदिर है तो हम लोग को बाइक वहीं तक लेके जाने देता है, ज़्यादा ऊपर उसके ऊपर हम लोग बाइक नहीं लेके जा सकते, तो हम भी देखना चाहिए जहाँ तक बाइक जाता है वहाँ तक लेके जाने का. और ऑफकोर्स बैग है तो बहुत दूर हम पार्क करेंगे नहीं, आई वॉन्ट माई बाइक टू बी पार्क समवेयर नियर. ये अपने को दत्तश्रेय या कुछ मंदिर है, यहाँ आने के बाद हम लोग जाते हैं. तो लोग बोला कि खाली सर नहीं जाना चाहिए, पगड़ी पहन के जाना चाहिए. तो यहाँ पे बच्चा लोग था, वो लोग मिल के पगड़ी बांध दे यार, क्या बाइक इज ऑलरेडी हियर. तो हम लोग पहले ऊपर जाएंगे देन लेट्स सी. तो बच्चा लोग आया था मेरे पास पगड़ी बांधने के लिए, तो हम लोग बोले कि ठीक है काम करो पहले ऊपर से आते हैं. तो ये रहा मंदिर अपना, तो नीचे से आने के बाद मंदिर गए और यहाँ ऊँट पे चढ़ने का मौका मिला, तो हम लोग ऊँट पे चढ़ गए. राइड इज सेड ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बुल वी आर राइडिंग नाउ. फोटो बोले भाई उसको ले दो एक फोटो, फर्स्ट टाइम हम भी ऊँट पे चढ़े. एंड दिस इज द टॉप व्यू, यहाँ से वो सामने जो वाइट वाइट दिख रहा है उसके बाद अपना समुद्र है एंड आफ्टर दैट इज द पाकिस्तान. ठीक है, बीच में BSF का पेट्रोलिंग होता है. यहाँ से इंडिया का एक लास्ट विलेज दिखता है जो राइट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में अपना एक हनुमान जी का मंदिर दिखता है. तो ये लोग टेलीस्कोप से भी दे रहे थे देखने के लिए, बट थोड़ा थोड़ा फॉग है तो इसके कारण नॉट मच कैन बी विजिबल टुडे. तो लोग यही बोले तेरे पैसे चला गया, कुछ दिखा भी नहीं. ठीक है, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर. दर्शन सन होने के बाद हम लोग यहाँ से अभी वापस निकले हैं. तो ये भी पतला पतला रोड है, आई एम ट्राइंग टू गेट बिफोर द सनसेट. आई थिंक सो 4:30 हो चुका है, 5 या 6 o'clock तक का अपना सूरज डूब जाएगा. और सिंस ये आई थिंक सो 6:30 या 6:15 जनरली सनसेट होता है, तो मेरा कोशिश है कि उसके पहले हम पहुंच जाए.
पतला पतला रोड है, आई एम मेंटेनिंग अ लिटिल स्पीड सो दैट आई डोंट मिस द स्पॉट। और कहीं पे भी रुके नहीं वहाँ से उतरने के बाद। वहाँ पे हम लोग कॉर्न वगैरह खाए, कुछ कुछ मार्केट टाइप है छोटा छोटा, और मैक्सिमम लोग पठान सूट टाइप में है वहाँ। इट्स वॉज नाइस, दे वे क्वाइट फ्रेंडली। ये सारा एरिया में ये लोग का ड्रेसअप ऐसे ही है, और टाइम बचाना है इसके लिए थोड़ा सा छोटा मोटा बफर हमने ध्यान दे रहे हैं। I hope so कि लिस्ट विल बिफोर द सनसेट हैपन्स, क्योंकि सनसेट्स ओपन एरिया में देखने का मज़ा ही अलग है। आई होप सो, मतलब कि अगर कभी डी आई थिंक सो बड़ा कैमरा हो तो वी कुड टेक मच नाइसर शॉट्स ओवर हियर। रन ऑफ कच्छ का बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ठीक है। तो बिफोर रन ऑफ कच्छ दैट इज दी धोलावीरा, धोलावीरा में वहाँ पे रोड टू हेवन कहलाता है, दैट विल कम एंड सी फर्दर। बिल्कुल इतना ऐसा फॉग था कि इन द फार साइड यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि सी कहाँ ख़त्म हो रहा है और स्काई कहाँ से शुरू हो रहा है। तो दैट वॉज एक्चुअली नाइस व्यू, वेरी नाइस व्यू टू मतलब कि हेवन। बहुत सारे लोग वहाँ रुके हुए थे, बहुत सारे फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे। तो दिस इज़ रोड टू हेवन। यहाँ से कुछ 31 किलोमीटर्स है आई थिंक सो, रोड आगे वैसे ही दिख रहा है। लेट्स हैव अ क्लियर लुक। 31 किलोमीटर्स धोलावीरा, और एकदम ज़बरदस्त है। बीच में एक सिंगल रोड है, दोनों तरफ अपना वो समुद्र का पानी है। तो यहाँ पे बेसिकली लैंडमार्क बीच में रेज अप हो गया, जिसके कारण ये समुद्र का पानी है दैट ट्रैप हो गया। तो सो वी हैव दिस सॉल्टी वाटर हियर, सारा उसी तरह है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, दिस राइड हैपेंड इन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आई थिंक सो, 29th विल बी द डेट टुडे, 29th ऑफ दिसंबर 2023। तो अभी कितना काम क्या प्रोग्रेस क्या नो आइडिया, दिस इज द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज 2024। अच्छा ज़बरदस्त, मतलब कि ये व्यूज़ है यहाँ, यहाँ से एकदम करेक्ट वो हेमिस्फेयर टाइप ये दिख रहा है। आगे जाने के बाद और फॉग वगैरह रहता है, तो वी कुड नॉट एक्चुअली सी वेयर द सी एंड्स एंड द लैंड बिगिंस। तो लेट्स कंटिन्यू देयर। तो आई हैव एक्चुअली वेरी लेस स्पेस, तो उसके कारण हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स रिकॉर्ड कर रहे थे, बट दीज आर द व्यूज दैट वी शुड नॉट मिस। बिल्कुल ऐसा लगता है समुद्र को चीरता हुआ रास्ता जा रहा है। सोच रहा था कि लेट्स गो टू रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ एक्चुअली फ्रॉम हियर आई थिंक सो 17-18 किलोमीटर्स था उस समय यहाँ से। आई वॉन्टेड टू रीच एट दैट पॉइंट, बट क्या है कि रन ऑफ कच्छ के पास ज़्यादा पानी, मतलब लैंड ज़्यादा ऊपर था, पानी इतना ज़्यादा ऐसे अभी यहाँ दिख रहा है तो वहाँ ऐसा नहीं दिख रहा था। तो अगेन आई केम बैक एंड टुक सम वीडियोज एंड फोटोज, जब तक मेरा स्पेस नहीं ख़त्म हुआ। देन वी शॉट ये 8K में सनसेट टाइम लैप्स वी शॉट, क्योंकि इमेजेस का जगह था। और आई आराम से हेलो, देयर टू मेनी पीपल एंड क्राउड, देयर क्रॉसिंग रोड्स एंड आई एम एक्चुअली ड्राइविंग अ लिटिल फास्ट सो दैट आई वॉन्ट टू रीच द एंड पॉइंट। उस समय हमको ऐसे ही लग रहा था एंड पॉइंट तक कैसा दिखता है, यानी कि इधर ही सारा चीज़ देख लें एंड आई विल मिस द अदर एंड। आई एम ट्राइंग टू गो मतलब कि ऑन द अदर एंड एज फास्ट एज आई कुड। तो ये सब मस्त खाली खाली एरिया है, यहाँ पे कुछ कुछ खाने पीने का रहता था और मज़ा आता, बट यही है बहुत दूर है ये टाउन सिटी से एंड स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन आई थिंक सो। पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पे, रोड तो है, ये बड़ा बड़ा ब्लॉक्स है जो सामने भी जा रहा है, इसको ये लोग क्रेन से उठा कर साइड में रख। सिर्फ से सिंगल रोड है, ये ट्रक के पास इतना बड़ा है तो एवरीबॉडी हैज टू गेट अप। बहुत सारे लोग हैं, लोग पानी में भी उतर रहे हैं, तो
आई वॉन्टेड टू गो टू द अदर एंड, और लेफ्ट साइड में अगर देखिए तो फॉग दिखना शुरू हो गया. नाउ यू कैन नॉट फाइंड द एज व्हाट इज क्लियरली विजुअल ऑन द राइट साइड. लेफ्ट साइड में वो दिखना चालू हो गया. तो आई टुक मेनी फोटोग्राफ्स स्टॉपिंग हियर एंड देयर. और अभी तक कैमरा अपने हैंडल में ही है. एक्चुअली इट वॉज ए वेरी नाइस प्लेस. मस्त लग रहा है एकदम एकदम स्ट्रेट रोड है यहाँ पे और ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग ऑन टू इन्फिनिटी. कुछ तो एनएच का बोर्ड था, आई डिड नॉट रीड इट. अगर आप गूगल में डोला भी रहे या रोड टू हेवन डालेंगे तो दिस इज एक्चुअली रोड टू हेवन. इट फील्स लाइक रोड टू हेवन. स्वर्ग ही जा रहे हैं यहाँ से. जैसे जैसे आगे बढ़ता था लैंड मास्टर्स है बीच में, तो वी कैन गेट डाउन ओवर हियर. और ये पूरा यू कैन स्मेल द सी वाटर ओवर हियर. पानी थोड़ा सा क्लियर ही है, ऐसा गंदा नहीं है बिल्कुल यहाँ पे. तो आई स्टॉप हियर क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह खाली था एंड आई वॉन्टेड टू टेक सम पिक्चर्स विच आई विल पुट इन द वीडियो समवेयर. Take some pictures. These are the pictures. Yeah, mast hai yahan pe. It was a very nice experience. Aur sun ka reflection pani pe hai wahan pe. It's nice to see. I took some pictures of my bike. नीचे रेनकोट पहन के रखे हैं. आई हैव अ नॉर्मल जींस एंड द लेवल टू आर्मर्स ऑफ रॉयल एनफील्ड. लेवल टू आर्मर्स आगे जाके हमको बहुत हेल्प करता है जब हम मेरा बाइक दोनों हवा में उड़ के नीचे गिरते हैं. तो दैट्स इन द एंड पार्ट. वहाँ पे कोई वीडियोस नहीं है क्योंकि आई हैड ऑलरेडी रन ऑफ स्पेस. फ्यू फोटोग्राफ्स है उस जगह का, एक ही फोटो दो फोटोग्राफ है. देन वी कॉल्ड द टोइंग सर्विस ऑफ एलायंस रोडवेज. आई हैव एन ऑल इंडिया टोइंग. ये सस्ता पड़ता है प्लस फॉर अनलिमिटेड किलोमीटर्स इट्स बाइक नाइस. एकदम यहाँ से तो यू कैन नाइदर सी ऑन द राइट साइड नॉर ऑन द लेफ्ट साइड. हेमिस्फेयर देखना बंद हो गया. देयर इज नो हॉराइजन. सीधे वी आर गोइंग टू हेवन फ्रॉम दिस रोड राइट. द व्यू इज एक्चुअली क्वाइट नाइस. तो आई हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन और अपना सन पीछे है. तो सनसेट होने में अभी भी टाइम है. तो वी हैव जस्ट केम बिफोर द सनसेट. इट्स नाइस. मोबाइल में ज़्यादा रिकॉर्ड तो हम लोग ज़्यादा क्लैरिटी तो हम लोग को आएगा नहीं ज़्यादा साम वाम में. बट खैर जितना भी आ रहा है द इमेजेस आर एक्चुअली सुपर्ब ओवर हियर. और लोकेशन तो एकदम ज़बरदस्त है. दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम यू शुड ऑलवेज विजिट. तो दिस इज द अगेंस्ट द सन बैकड्रॉप. आई इंजॉयड एक्चुअली दिस प्लेस. मतलब कि एक बार तो जरूर जाना चाहिए. इफ़ यू आर नियर टू गुजरात और मुंबई जस्ट गो एंड विजिट टू रन ऑफ कच्छ. दिसंबर में पानी का आवाज सुनाई दे रहा है लहर का. You can see the wind howling. You can listen to the wind howling and the water sound. Okay, तो हम लोग यहाँ पहुँच ही गए हैं. तो जितना स्पेस है to shoot something. Jitna space hai, let's record this place. Okay, it's so awesome. Matlab ki I don't know dobara kab ja payenge. Right, it's nice to see. Hum log yahan se abhi run off Kutch ki taraf aage jaane shuru kiye hain kyunki abhi hum log ka exact sunset mein thoda sa aur time hai. ठीक है, इट्स 15 मिनट्स डिस्टेंस और 10 मिनट्स डिस्टेंस था. तो हम बोले चलो रन ऑफ कच्छ टच करके आते हैं हम लोग. जो एग्जैक्ट गूगल पे जो लोकेशन देता है कि रन ऑफ कच्छ, लेट्स गो टिल देयर. ओह माय गॉड, लेफ्ट साइड में तो देयर इज नो डिफरेंस वेयर द स्काई एंड्स और वेयर द वाटर बिगिंस. सेम इज फ्रॉम द फ्रंट व्यू ऑल्सो. एक जेट प्लेन ऊपर से गया था, उसका लाइन है आई थिंक सो कहीं इमेजेस में होगा.
और एक्चुअली दिस इज़ द सेकेंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई इंस्टा 360 फॉर द लॉन्ग ट्रिप. तो अपना लेंस गंदा हो जाता है, हमको बिल्कुल ध्यान नहीं है, एंड देयर सम स्पॉट्स ऑन द लेफ्ट साइड. बहुत जगह गाड़ी चलाने का नतीजा होता है, धूल मट्टी सब कुछ तो उड़ता ही है. और ये अच्छा है कि थोड़ा सा मट्टी का एक्सटेंशन वहाँ बन गया है, जहाँ पे कुछ स्टॉप द व्हीकल एंड आराम से वी कैन एंजॉय द सीन. People were is shooting with Insta 360 also. I think so. We'll see somewhere. Yeah, अभी या बाद में. So they were doing a bullet time lapse of that. So that was nice. क्या मस्त लग रहा है, मतलब it's literally road to heaven. It's एक बार तो इधर जरूर आना चाहिए जो लोग यहाँ गए नहीं हैं. So I'd always recommend कि there are many beautiful places in India and you should always go and have a look. गुजरात गवर्नमेंट के लिए अच्छा है कि वो लोग हमारे लिए इतना सारा चीज़ बना के रखे हैं यहाँ पे. ये पूरा जो सी मासेस है इन द गूगल इफ़ यू सी ना, ये धोलावीरा से लैंड एक बीच में से होते हुए जाता है. यहाँ पे शायद विलेजेस था आगे, आई डोंट नो अबाउट द हिस्ट्री, वो आप लोग विकीपीडिया गूगल में ढूंढ लीजिए. बट इट्स नाइस टू सी एकदम इन्फिनिटी तक रोड स्ट्रेट ही है एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड, राइट? दिस इज रोड टू हेवन. एक और हमको मस्त जगह लगता है यहाँ पे, क्या नाम है जगह, जेड माउंटेन्स जो है, आई वॉन्ट टू गो देयर सम टाइम, जो चाइना में है कहीं पर. अगर कभी मौका मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे. ना वहाँ से वापस अभी हमने इंस्टा को ऊपर लगा के यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करना चालू किया, सो दैट मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट वी कैन रिकॉर्ड, राइट? स्टिल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड दिस सी. इट्स एक्चुअली नाइस, कुछ तो दिखना चाहिए अपना कैमरा में, अदरवाइज मतलब को फील नहीं आता है कि बाइक पे जा रहे हैं. इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मडगार्ड ही रखें, क्योंकि ये अपना एक्सटेंशन सेल्फी स्टिक के साथ वी हैव एक्सटेंडेड इट टू द फुल लेंथ, तो उसके कारण थोड़ा जर्क्स है रिकॉर्डिंग में, बट स्टिल द वीडियो इज क्वाइट स्मूथ, नाइस. लेट्स एंजॉय द व्यू. लेट्स सी, ठीक है कहाँ तक जाता है, पहले बंद हो जाए तो वी हैव टू री रिकॉर्ड दिस ऑडियो. बट दिस इज नाइस एक्चुअली, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बोले जितना भी रिकॉर्ड करो इट वॉज लेस. और कुछ वीडियोज हम लोग रिकॉर्ड कर पाते तो बहुत अच्छा रहता है इस जगह का. बट आई स्टेड हियर टिल द सनसेट, और सबसे मजा आया जब सनसेट हुआ. आई विल सी इन द वीडियो फर्दर. जब सनसेट होने जाता है ना तो यू सी एग्जैक्ट वन मोर रिफ्लेक्शन ऑफ द सन, इट्स लाइक जस्ट द लैंड ऑफ टू सन. अभी वो चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा और देर बाद हम लोग को दिखेगा, ठीक है? तो हमको लगा कि दोनों सन टच करता है क्या, ये देखना है, बट इट डिड नॉट हैपन, देर वॉज अ लिटिल गैप. तो एक वीडियो हम लोग को दिखेगा, स्लोली द सनलाइट वेंट अवे, एंड जैसे जैसे सनसेट होने लगा तो मैक्सिमम लोग चले ही गए थे, बहुत कुछ ही लोग बचे थे, एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन लिविंग फ्रॉम दिस रोड. हम भी बोले चलो अब सनसेट हो गया, लेट स्टार्ट फॉर होम, मतलब यहाँ से अब आगे चलते हैं. तो यहाँ से एक दोस्त है हमारे अहमदाबाद में, राजेश भाई, तो बुलाए कि आ जाओ अहमदाबाद, आ जाओ यहाँ तक आए हो तो हमसे मिल के जाओ. तो अपना भी यही प्लान हुआ कि चलो यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे नेक्स्ट, आगे आके राजेश भाई से मिलेंगे, और हम लोग यहाँ से आगे जाने का प्लान कर लेते हैं, ठीक है? रात में तो यहाँ से अब तक निकल रहे थे, सनसेट पूरा हो चुका होता है और पूरा अंधेरा हो गया होता है. तो जैसे हम लोग बाइक लेके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ना कि आज का रात जो था वो चांदनी रात था, और रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है जो हम लोग आगे जाते हैं, तो इसी तरह पानी यहाँ पे ज़्यादा रिसाइडेड है, और लो टाइड होता है या ये होता है तो पानी रिसाइड कर
और तो पानी रिसाइड करता है यहाँ पे। ये देखो क्या मस्त स्काई दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग थोड़ा सा वापस लौटते हुए भी एक वीडियो ले रहे हैं। तो पानी रिसाइड करता है इस एरिया पे। ये एग्जैक्टली हम लोग गूगल के अनुसार रन ऑफ कच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पानी यहाँ जहाँ रिसाइड करता है तो वो पूरा सॉल्ट का लेयर छोड़ के जाता है, और उससे क्या होता है कि इट बिकम्स, मतलब कि इट लुक्स लाइक आइवरी। जब अपना ये मून राइज करता है, मतलब एक साइड सनसेट हुआ और अभी ये जो सनसेट है दिस इज़ ऑन द बैक साइड, अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। जब सनसेट होता है और अपोजिट साइड से मून राइज होता है तो वापस मतलब कि रोशनी होना इस एरिया में शुरू होता है। एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड क्योंकि अंधेरा हो चुका। अंधेरा होने के बाद हम लोग यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं कि चलो अब अहमदाबाद के लिए जाएंगे, विल सी कहाँ जाके रुकेंगे या कितना दूर आगे चलाते हैं। तो इट वॉज ए फुल नाइट ड्राइव फ्रॉम यहाँ से अहमदाबाद के लिए। आई थिंक सो 12 घंटा या 14 घंटा कुछ था। तो यहाँ से हम लोग जैसे आगे जाएंगे, आगे का वो इमेजेस में है, तो जैसे जैसे मतलब कि मून राइज होना चालू करता है ना तो वापस से एक रोशनी होना सब जगह होता है। जो सॉल्ट है इतना लिटरली पानी रिफ्लेक्ट किया है कि एकदम शाम का फील होने लगा। और वो जो चमक रहा था, मतलब कि लिटरली आइवरी जिस तरह चमकता है, आइवरी या चांदी बोलो, जो चमकता हुआ चांदी होता है, बिल्कुल वैसा चमक रहा था। आई ट्राई टू रिकॉर्ड ऑन माई कैमरा बट उतना अच्छा मतलब कि ये आया नहीं जितना अच्छा हमको सामने देख रहा था। तो इट्स एक्चुअली ए प्लेस टू मतलब कि स्पेंड सम टाइम इन द इवनिंग। एंड सिंस ये बॉर्डर एरिया है तो आई डोंट नो इफ विल बी अलाउड ओवर हियर और नॉट। और क्या है कि इसके बाद हम लोग ये पूरा डोलावीरा जैसे क्रॉस करके हम लोग उधर निकलते हैं तो देयर इज़ अ पुलिस चेकिंग गोइंग ऑन। तो वहाँ पे हम लोग कुछ पुलिस वाले मिलते हैं और फिर वहाँ से हम लोग जब आगे निकलते हैं, दिस इज़ द गाय आई वाज टॉकिंग अबाउट, दे आर डूइंग अ बुलेट टाइम शूट, तो दे वेव्ड, आई ऑल्सो वेव्ड, ठीक है। तो दिस इज़ नाइस, वहाँ से मून राइज होगा, आगे अपना फ्रंट सनसेट होने वाला है। तो आई वेंट टिल द स्पॉट वे गूगल से रन ऑफ कच एंड आई केम बैक टू दिस एरिया, जहाँ पे जितना क्लोज हम लोग इधर जाएँ और जहाँ से अच्छा एक व्यू दिखे, जहाँ से हम लोग सनसेट कैप्चर कर पाए, राइट। तो हम फाइंडिंग सम प्लेस कि किधर रुकने का, ज़बरदस्त दिख रहा है सारा ये। हार्डली यू कैन सी द होराइजन ओवर हियर, वो पूरा फॉग फॉग ही है। एंड दिस इज द सनसेट, सनसेट होने में अभी भी टाइम है, तो विल किलिंग द टाइम बेसिकली आगे पीछे करके, और देखना चाह रहे हैं कि और क्या क्या लोकेशन कैसा दिखता है। तो दिस एरिया इज नाइस एंड एम्प्टी, नाइस एंड एम्प्टी। तो हम सोचे कि ठीक है लेट्स रिकॉर्ड ओवर हियर, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन द वीडियो इज गोइंग टू रन आउट, इट्स ऑलमोस्ट रनिंग ऑन द लास्ट पार्ट। अच्छा शांत एनवायरमेंट है पूरा। The beauty is the reflection actually. तो वो अच्छा चीज़ था। और जो videos हम record कर रहे हैं that will place at the end of the video, so you can see. It's actually so nice to see this view. And I was hoping कि दो सन अगर merge होगा तो that will be so beautiful. But this did not happen. There was a lot of gap. ठीक है, but it's nice. मतलब इतना क्लियर एक्चुअली ये था कि वो सरप्राइज्ड। सी स्टिल इन द बैकग्राउंड यू कैन नॉट सी द होराइजन, राइट। एंड वन सिंगल स्ट्रेट रोड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रोड। रोड्स हैव सम पैचेस ऑफ दैट मड्स जो बड़ा बड़ा नंबर से आता है। यहाँ पे रात बिताना चाहिए था। आई नॉट हैड ए टेंट एट दैट टाइम, आई थॉट ऑफ इट, बट अगर होता है इफ यू कुड कैरी सम वाटर इट वुड बी अ नाइस टू स्पेंड नाइट ओवर हियर। और चांदी रात का मजा ही अलग था। आई थिंक सो नाउ वी आर गोइंग टू द टाइम लैप्स। I lost camera, whole of the space was getting empty, so last one time lapse shoot kiya iska kyunki aur koi upay nahi tha, and
Yeah, मतलब for these many days actually 256 GB becomes less for Insta. For most part I saved it so that I can at least capture the sunset. That takes time, 15-20 minutes of video is long to watch. Right, तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे आगे टाइम लैप्स शूट करते हैं सो दैट माई स्पेस शुड बी यूटिलाइज फॉर दैट टाइम लैप्स. माई स्पेस खत्म हो गया था लास्टली आई थिंक सो 1 or 2 मिनट्स वीडियो वी हैड द स्पेस टू शूट टाइम लैप्स शूट किया. द सन इज सेटिंग स्लोली. दैट वाज द एक्चुअली मेन थिंग कि मे बी इफ इट वुड मर्ज वुड हैव नाइस व्यू टू सी. और इफ आई हैड सम डिजिटल कैमरा द पिक्चर्स वुड हैव बीन मोर बेटर एंड मोर क्लोज अप ऑन द सन. बट अपने पास जो था हम लोग उसे सब मैनेज किया. दिस इज द टाइम लैप्स आई थिंक. यस दिस इज द टाइम लैप्स. दैट मच गैप वी वर गेटिंग. जबरदस्त था दिस सीनरी. एटलीस्ट वंस वी शुड गो एंड हैव अ लुक. I think so. These are the videos which I had recorded from the mobile. This was to show that horizon line is still not visible, we cannot see jo far area ka fog tha. And these are the lens flares that my lens is getting. Camera crack ho gaya actually, camera ka lens bahar wala. I don't know when it happened but it happened some in some of the trips. To uske baad hum log kya kiye ki we took a covered this thing, mobile cover for the bike. At least camera and mobile gets protected. These are the few pictures which I took. Incredible view, actually incredible view. And this is the sunset begins. This is me. Yeah. Sunset ho jata hai, then it becomes dark. Then we start heading home towards Ahmedabad actually. And then I had to stop. These are one of the earlier videos which I shot from mobile itself to show the how it looks. Right. Still we cannot, there is no horizon over here. Somewhere you can find this line on this side, but that side it's completely off. But here this video is before the sun sets and still 2 up. And actually this is the actual run of Kutch place. It was shining like an ivory over here. Only the chandi jaisa aur jo chamakta hai na wo chamak tha yahan. Silver chamak tha aur this was had a little golden matlab ki sign. Only it felt like it's a gold and silver beach over here. It was so nice. This happened after the night has already begun, and that's the moon coming up. Sunset we actually saw. So this was the sunset time. Here the sun had set. After this darkness, when I started for home, then suddenly when the moonlight start beaming, right? This is the sunset. What we can say when the moonlight start beaming, so this much was light around, and I could not believe. Capture. क्योंकि जैसे अभी moon rise हुआ. This has become silver and lit up. Dark ho gaya tha just abhi jab sunset hua tha. Golden beach. Wahan sunset ho chuka hai. And this is our silver beach. And this is literally about to be done. Ab fog kam ho gaya. Is taraf fog tha us samay. सारा एजेस हम लोग को क्लियर दिख रहा है एकदम राउंड. इतना उससे हम लोग एजेस नहीं दिख रहा. बट द बीच हैज बिकम सिल्वर और चांद मिल रहा था. खूबसूरत.
this had an accident while coming back. ठीक है. I and my bike both flew off the ground and we were quite high around 5 to 6 feet, then fell on the sideways. फॉग लाइट इधर उधर बेंड हो गया, लेग गार्ड बेंड हो गया था, टायर के नीचे का वो रिम बेंड हो गया, हेडलाइट टूट गया. हम बोले क्या बहुत गाड़ी चला ली है, नाउ लेट्स गेट टोड. एक्चुअली आई वाज अ लिटिल सेक इन व्हेन आई फेल डाउन, तो बाइक तुरंत उठ नहीं रहा था, ऊपर से पेट्रोल गिर रहा था. फिर धीरे धीरे करके बाइक उठाए, बाद में हम लोग अलायंस टोल रोड अलायंस रोड साइड असिस्टेंस को हम लोग कॉल किए. कॉल करने के बाद 3-4 hours इट टुक देम टू अराइव. फिर वहाँ से हम लोग बाइक टो करके अहमदाबाद ले गए, वे वी गॉट द अदर थिंग्स रिपेयर्ड एंड फिर वहाँ से हम लोग आगे निकले. अहमदाबाद में एक दिन रुके राइस भाई के पास, वहाँ हम लोग थोड़ा अच्छा अच्छा गुजराती डिश खाए. वहाँ से देन आई स्टार्टेड एट इन द इवनिंग एंड आई केम टू बड़ोडा. दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने में बहुत मन था, सारा लाइट्स ऑफ था. दिस इज़ द बेस्ट आई कैन कैप्चर फ्रॉम मोबाइल कैमरा, बट फ्रॉम माई आईज आई कुड सी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैंडिंग टॉल एंड स्ट्रेट. दिस वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर समवेयर स्टॉप फॉर टी. तो वहाँ बैठ के एक दुकान वाले से बहुत बात हुआ, तो ही सेड कि ही वेंट आउट टू मुरुडेश्वर एंड ऑल द वे ऑन हिज पल्सर. दैट वॉज अ नाइस स्टोरी टू सी. This is Bhuvaneshwar Jyotirlinga that is near to Aurangabad. This I came to know suddenly that there is one more Jyotirlinga. हम चाय पीने के लिए रुके थे, वहाँ से हमको जगह मिला था, हम लोग यहाँ आ गए. And this is going towards Bangalore. Now this is the end of the Somnath video. Let's hope the next video brings more recordings and more details. In this recording, I have missed most of the things. Next video, I hope so, I'll upload the Ladakh series of 2024. And with this, we'll end this video over here. Thanks for watching. Let's say in Ladakh 2024 series. That is also an incredible journey to see. Thank you, guys.